तो आज फलन जी गावे है मारे गाणो और ते देखता रहो की केड़ो गावे। और फलन जी थोना आज एड़ो की कोड़ा यार, हूं गाण वास्ते बैठी गाना इज क्या डफो गले लियो। यो है के आप स्टूडियो अपने आप रे घर रो है न, तो मैं को आज ट्राई कर लियो थोड़ी केड़ी सिंगिंग है मारी, लोग और काफी डिमांड थी। और थे दिल थाम के बैठी, दिल थाम के रखिए क्योंकि फलन जी आ रहे हैं स्टेज के ऊपर जी। हाँ, तो फलन जी आपका स्वागत है। माय हस्बैंड, माय पति, माय हम सफर। इतना इतना पखौन मत करो, मैं भी बस गाना हूँ पहुंच जाए, इतना पखौन किया तो ठीक है। तो फलन जी आज की गीत गायो गाओ वो बताओ मना। गीत तो मैं आज कई गाऊं, गाना तो मारे लव सॉन्ग तो, पर आज शुरुआत मैं पुराणो लव सॉन्ग गा लियो। हूं थन बताओ जको पुराणो लव सॉन्ग है धोरे मा झूपड़ी। धोरे मा झूपड़ी, हां चलो ठीक है, थारी डिमांड है धोरे मा झूपड़ी आज गा लियो। हां गाओ धोरे मा झूपड़ी। 1 2 धोरे माथे झूपड़ी रे, धरती झोला खाए पसे, धरती झोला खाए बलम जी थोरे बिना, मैं डर जाऊं मैं मर जाऊं। धोरे माथे झूपड़ी रे, धरती झोला खाए थे धरती झोला इस गांव आ गई गई धोरे थे आ गाओ। अरे धोरे माथे झूपड़ी रे, अरे धरती झोला खाए, झोला खाए लुगड़ की थारे बिना, डर जाऊं मर जाऊं एकलो रोए मरो, परदेश मुढूड़ा परदेश परदेश मुढूड़ी मन छोड़े गयो गई। धोरे माथे झूपड़ी रे, धरती झोला खाए उनमड़ी थारे बिना, मैं मर जाऊं मैं डर जाऊं एकलो रोए मरा। धरती झोला खाए गड़की थारे बिना, मैं डर जाऊं मैं मर जाऊं हेखलो रोए मरा, हेखलो रोए मरा। ठाडी सियाळड़ी रातड़ी रे, गाओ गाओ, अरे सोना गाओ दे, मैं हाथ बंदी करूँ ठीक है। फलोड़ जी तो मुड़को आड़ो करे ओटी पोकर है क्या, तो गाण हुए हिसाब रूं की कर दे एड़ तो गाण गए। फलाण जी ते बात नहीं, हमें फलन जी बातों थे तो रेवण दो तर चार टाबर हो गया रे। तो एक गान बीज होना हूँ मैं, गान हूँ बीज होना हूँ फड़ाओ उड़े बैठ माखी होना हूँ। कैमरा मैन शर्मा गए आपको पता है, और देखने वाले कितने शर्माएंगे आपको पता है। कोई बात नहीं, डिलीट कर देना। नहीं डिलीट नहीं करेंगे, अब ये होता है तो होता है, अब क्या करें। मैं एक सुना देता हूँ अपने देसी है उड़े बैठ माखी। ओके ठीक है ठीक है। उड़े बैरी माखी टाबर हुआ पाखी, तीन रुपया बाकी उड़े बैरी माखी, केरा टाबर हुआ पाखी। उड़े बैरी माखी मारा टाबर हुआ लुगाई रे पाखी, तीन रुपया बाकी। फलन जी ए बताओ कि टाबर केरा पाकी हुआ थे, ये थे सब किताब मैं गुड़े करण आया हो का गीत गण आया हो। तो गीत होना हुआ तो बात को हकीकत रही थी, बात तो गीत रे माध्यम होना जो बीजो में की को उड़े भाई रे पाकी टाबर हुआ पाकी, टाबर हुए बाप रे पाकी मारे क्यों पाकी वे भाई, टाबर यो है टाबर घना हारा बाप रे पाकी हो है तो रुपया मैं मम्मी को खर्ची मांग है, मम्मी के खर्ची मम्मी के थम जाए भाई
बाप कमाई मम्मी ने दे है टाबर और मम्मी ने दे है मम्मी गुडी दो है बाप को खूंजे में थोड़े रखे ओके ओके ठीक है कोई नहीं फलन जी आपके दोनों गानों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है अब आप दूसरा तीसरा गाना सुनोगे तीसरा गानो केड़ो सुनाऊ हमके एड़ो लव सॉन्ग को सुनाऊ को ने हमके कोई हादो सॉन्ग सुनाणो बेचारे विदेश गया हो बार कमान वास्ते हाँ याद आ गया याद आ गया आ गया आ गया थे जाओ परदेश सुना दियो थे तो जाओ परदेश मारो जीवड़ो मुट्ठी में थे तो जाओ परदेश मारो जीवड़ो मुट्ठी में आ गई हूँ तो पहुंच रहा हूँ अरे थे तो जाओ परदेश मारो जीवड़ो मुट्ठी में थे तो जाओ परदेश मारो जीवड़ो मुट्ठी में अरे पाचा बेगा तो जाओ परदेश मारो जीवड़ो मुट्ठी में अरे मोना तो केता केता जाओ ए कोनी गानो नमड़ी में केड़ो गाऊं तो केड़ो गा अरे हम चले परदेश गोरी याद रखना ममरे मां बेटी बेटी कागज लिखना आ झोपड़िए मां बेटी बेटी कागज लिखना फलन जी आप है ना ट्रिक के साथ साथ चलो ट्रिक आउट हुआ हाँ नहीं अब आप आउट हुए थे इसमें बलाइए नहीं तो फिर आपको पता ही है हाँ अब वापस गई हम चले परदेश गोरी याद रखना कमरे मां बैठी बैठी कागज लिखना नयोड़े मकान मां बैठी बैठी कागज लिखना ज्यादा याद आवे तो फोन करना हाँ तो हमारा ही हमें जानो अरे पप्पा जी आवे तो कदर मान रखू ना और मम्मी जी आवे तो डंडो पास रखू ना ए गलत बात है ना अरे पप्पा जी आवे तो कदर मान ये गलत बात है यहाँ है कड़ी पापा ये ये। पापा जी आवे तो कदर मान रखना मम्मी जी आवे तो खाना तैयार रखना अच्छा नहीं ये गाना नहीं है ये गाना ऐसा है कि पापा जी आवे तो कदर मान रखना मम्मी जी आवे तो डंडो पास रखना अरे हम चले गाना ये पुराने जमाने का है ऐसा ही गाया हुआ है एक पति ने अपनी पत्नी को जब पति बाहर जा रहा है विदेश वो यहाँ गानो है कि पहले टाइम की है कोई मतलब दुख उख रो गानो तो मतलब कोई हाहू के ना दुख दे दियो है बहुआरी ना तो वो ऐसा मुझे पास जवाब दियो लेकिन वो ओनली फॉर मन बहलाने के लिए हाँ, अपनी वाइफ का मन बहलाने के लिए हाँ। उस पति ने कहा कि पापा जी आओ तो कदर मान रखना और मम्मी जी आओ तो डंडा पास रखना क्योंकि अगर मम्मी का कुपखान करूंगा तो मेरी वाइफ खुश हो जाएगी क्योंकि सास बहू में बिनती कम थी हाँ, तो हकीकत ये थी कि वो मम्मी के आगे कुछ और बोला और अपनी वाइफ के आगे कुछ और बोला ताकि दोनों ही खुश हो जाए ठीक है ना बिल्कुल राइट तो आप आगे सुनाइए केड़ो होनाऊ बीजो बीजो गाणो कयो होनाऊ आप ऐसा है ना आप ऐसा सुनाओ कि मैं तो आपकी वाइफ हूँ आपको पता है आप मेरे हस्बैंड हो मुझे पता है ठीक है लेकिन आज आप गाने के माध्यम से मैं आपका हस्बैंड हूँ आप मेरी वाइफ अब आप मुझे कुछ बोलो मैं वाइफ और आप हस्बैंड या ऑफ कोर्स कोई याद कराओ
याद आप करो कई दो यार, मेरे को तो ऐसा आता नहीं है। कोशिश करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। हाँ वो ही सुना दो, काली काली गाड़ी में घुमन, ये तो आता नहीं है। काली काली गाड़ी में घुमा दो भरतार, काली काली थार में घुमा दो भरतार। ऐसे नहीं अदाओं के साथ, लड़कियों में अदाओं कैसी होती है वो और वो जयपुर ये रिशेर करा दो भरतार, जयपुर ये रिशेर करा दो भरतार, काली काली थार में घुमा दो भरतार। पसंद आया? तू मारो केड़ो कोने करे मारे घर री तू नार, किस में घुमाऊं तने कहीं काली गाड़ी, किस में घुमाऊं तने थार वाली गाड़ी में, रिग में उल्टा हो गया। अब आप अलग सुनाओ कुछ अलग, तो मैं आपको सुनाऊंगा। और कैसा गाना सुनाऊं मैं? सोचो कोई, सोचो, ऑडियंस है ना वो मत बेताब है आपकी, जो ये आप ही कोई सुनाओ। अब तो आदमी रोल मतलब आप हम वाले पेड़ सुनाओ तो ताकि मुन्ना को याद आ दूं। प्यार से बोलो, ऐसे में प्यार से। हाँ आप ऐसे ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा बोला नहीं बोल रहे हाँ जो भी है नहीं आप वापस बोलो हाँ मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आप ही कोई ऐसा गाना सुनाओ ताकि मैं गा सकूँ। तो तूने सुबह खाना क्यों नहीं बनाया? मैंने हाँ ऐसे है कि अभी हमारा रोल तो अभी चालू हुआ है। हाँ तो अभी मतलब अभी मैं स्टूडियो में खाना अभी बोल रहा हूँ ना। तो हाँ आप बोल रहे हो लेकिन मैं अभी आपकी वाइफ बनी हूँ तो इसलिए आप तो अभी मतलब अभी की आ गई एक्टिंग चालू है ना तो अभी खाना थोड़ा ही बनाना है। मूड ऑफ कर दिया यार। सुनाओ 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 कोई पिज्जा लेके आए, ये कहाँ से लेके आएगी? तो अब मेरे को भूख लग गई, आप खाना लेके आओ ना मेरे लिए। मैं ऑफ कोर्स हाँ तो लेके आओ। अरे यार इतनी उदास मत हो यार, अगर मैं लेके आऊंगा, मैं जिंदा हूँ ना स्टूडियो में तो भैया मैं कॉमेडी करा, मजाक करा, कोई दिल मत लया मत, अगर लशियो तो नो प्रॉब्लम, वो मेरे है हस्बैंड, मैं इनकी वाइफ और मैं इनका हस्बैंड, वो मेरी वाइफ, सीधी ये एक दूसरे का प्यार है बाकी कुछ नहीं है। जो घर में एकदम ऐसे है कि कोई भी कितना भी लड़ाई झगड़ा हो उसमें आपस में प्रेम भाव बना रहता है तो चाहे कितनी भी लड़ाई हो तो वो एक प्रेम में बदल जाती है। ये कॉमेडी मैंने सोच के रखी थी लेकिन हम बना नहीं पाए तो अब ये लोगों को पहुंचा दी, मतलब फिर मैं उसको उनको फंसाने वाली थी कुछ ना कुछ। क्या बात फिर है? वो कॉमेडियन ने बनाई नहीं मेरे को फंसाने वाली। अब ये मुझे बताओ, मैं एक आपको बात बताऊं कि मैं आपका हस्बैंड हूँ, आप मेरी वाइफ हो, ठीक है? मतलब लोगों को ये तो पता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं जी। मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ जी, मैं आपकी वाइफ, ठीक है? ठीक है ना मैं हाँ। और तब चाय में शक्कर कम है जी, तो आप मुझे कैसे डांटते हो पहले वो बताओ। आप मेरे हस्बैंड, आप मेरे हस्बैंड हो तो मैं क्यों डांटूंगा? तो मैं खुद शक्कर लेके ही नहीं आया तो मैं आपको क्यों डांटूं? ये तो गलती मेरी हुई ना, घर में सामान नहीं है तो फिर भी आप एक बार तो बोलोगे ना यार चाय फीकी है। वो तो है ही, वो तो एक बार तो कितना भी आदमी अच्छा इंसान होता है तो वो बोल ही देता है कि आपको पहले बोलना चाहिए ना सामान नहीं है घर में। अच्छा यो बोलो, अगर मैं आपका हस्बैंड हूँ, आप मेरे वाइफ हो, आप मेरे लिए चाय लेके आओ तो मैं क्या बोलता आपको पता है? पता है आप वो सुनाओ ना। चाय पीता और फिर बोलता हूँ, आप बोलते चाय कैसी बनी? अरे यार तेरे हाथ कहाँ है, इधर देना चूम लो थोड़ा, क्योंकि आपको कुछ शक ना। और फिर इतनी चाय स्वादिष्ट बनी है अब क्या बताए, तो आप पियोगे फिर आपको लगेगा, फिर अंदर अंदर से आपका प्यार जग कर बाहर आएगा। वाह 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 क्या फर गया थोड़ी इसका है मन मुझे मोर कहना दे रहा है। वाह 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 मारो दिल हमें पिघली हो क्या करो। अगर हकीकत बताऊ ना, मोरे हेमो नहीं हुआ जैसे मैं चाय फीकी बनाओ तो थे वो
मोर कई जो आई को नहीं वो है मोर ले आचाई भी की नहीं बड़ा यान चार मोड़ आये गुंड को लग सही है के दिया ने और मतलब मारे गुड़ बल चार मोड़ क्यों नहीं आचाई भी की है तो हाँ इसमें मेरी गलती है उनकी कोई नहीं है ठीक है ऐसे बात करके टाल देता क्योंकि ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सही बात है हस्बैंड वाइफ में ऐसा होना चाहिए तो ही आप जिंदगी पूरी साथ चलोगे नहीं तो आपका कभी भी डिवोर्स तलाक फाइनल सब कुछ हो जाएगा ठीक है सही सही तो फलान जी आप और कुछ सुनाओगे या और हम कुछ को आप ही आप ऐसे करना हम कल कुछ याद करेंगे ठीक है अच्छा ठीक है और ऑडियंस को कुछ बोलो हाँ तो सभी को राम राम खमा गणिशा तो अपने की ये मैं सिंगिंग तैयारी कर रहा हूँ तो आज तो ठीक है नॉर्मल कॉमेडी एक बनाइयो अपने सॉन्ग आना आड़ा धाकड़ पुराना सॉन्ग है तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ काले पर मैं और आना आड़ा 10-15 दिनों में तो अपने देखता रहा और सपोर्ट करता रहा और नया नया कॉमेडी सॉन्ग है भजन है आएंगे चैनल माथे आता रहे और ये जो चीज़ हमने जो दिखाई आप बोलोगे बेशर्मा वगैरह ये बोलोगे मुझे पता है तो देखो भैया आप हस्बैंड वाइफ है हम कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन इतना गलत नहीं बोल सकते हैं ठीक है और इतना गलत कुछ बोला ही नहीं जो सोशल मीडिया पर आते हैं वो ज़्यादा कुछ आता है इतना हमने कुछ नहीं बोला है फिर भी अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और फलौन जी गीत जरूर गा है ट्रेनिंग मैं खुद दूँगी और फलौन जी एक अच्छे से एक सॉन्ग तैयार कर रहा है बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पूनम कवर और हमारा यूट्यूब चैनल पूनम राजस्थानी को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच धन्यवाद